रास्ता रोका। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। कांग्रेस ने कानपुर मेयर सीट के लिए सामान्य कार्यकर्ता पर भरोसा जताया है। कांग्रेस ने महिला कांग्रेस उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जोन की महासचिव आशनी अवस्थी को कैंडिडेट बनाया है। बता दें कि आशनी प्रदेश सचिव और AICC के सदस्य विकास अवस्थी की पत्नी है। आशनी गृहिणी के साथ साथ सामाजिक कार्यों में और पार्टी के लिए भी काम करती आ रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तहे दिल से प्रियंका दीदी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, अपनी कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझ पर इतना विश्वास दिखाया और मुझे इस पद के काबिल समझा, जो उन्होंने मुझे इस पद पर चयनित किया। कांग्रेस पार्टी शहर के मुद्दों की लड़ाई लड़ने जा रही है, जिस पर आदरणीय प्रियंका जी ने जो विश्वास किया है, कांग्रेस पार्टी ने विश्वास किया है, शीर्ष नेतृत्व ने जो विश्वास किया है, उस विश्वास पर हम लोग खड़े उतरने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी खड़े उतरने का काम करेगी और नौजवानों की लड़ाई, शहर की समस्याओं की लड़ाई, सड़कों की समस्या हो, गंदगी की समस्या हो, जल भराव की समस्या हो, ठेली खुमचे वालों की समस्या हो, उस समस्या से निदान दिलाने का काम कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता करेगा और ये जीत कांग्रेस की जीत सुनिश्चित होगी। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में आगामी निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रही है। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर देर रात व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए ASP अनुकृति शर्मा पहुंची। ASP ने सभी मतदान केंद्रों पर लगे CCTV कैमरे और लाइटिंग की व्यवस्था को चेक किया है। साथ ही मतदान केंद्र के समक्ष पूरा रूट मैप अपने चुनाव बुक के अंदर दर्ज किया। बता दें कि चेकिंग के दौरान कुछ मतदान केंद्रों पर CCTV लगे हुए नहीं थे, तो वहां CCTV लगवाने के निर्देश देते हुए और नई जगहों पर अन्य जगहों पर CCTV कैमरे लगाने का आदेश भी दिया। ASP अनुकृति शर्मा ने केंद्रीय विद्यालय और JP इंटर कॉलेज सहित बुलंदशहर के लगभग 20 से ज्यादा मतदान केंद्रों का आज निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुछ खामियां पाई गई, जिन्हें दुरुस्त करने का आदेश दिया। आप उनका निरीक्षण करने के लिए यहाँ आई हैं, आप देर रात तक यहाँ घूम रही हैं, किस तरीके की कोई खामियां तो नहीं पाई जा रही है? देखिए, रात को घूमने का पर्पस ही ये है कि अगर कोई भी खामी इस समय हमारे सामने आती है तो उसको समय रहते पूरा कर लिया जाए। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि रात के समय पे, क्योंकि मतदान की जो पूरी प्रक्रिया है वो ख़त्म होते होते रात होने की पूरी संभावना है और अंधेरा हो जाएगा, तो क्या पूरा CCTV कवरेज है कि नहीं, या पर्याप्त लाइट की व्यवस्था है कि नहीं, इसलिए ये जो निरीक्षण है स्पेसिफिकली ये मतदान केंद्रों का रात में ही किया जा रहा है। कितने बूथों का मतदान निरीक्षण किया रात्रि में? जैसे कल हम लोगों ने 20 पोलिंग सेंटर्स का निरीक्षण किया था, आज अभी तक हम लोग 9 पोलिंग सेंटर्स का निरीक्षण कर चुके हैं और अभी घंटे भर और करेंगे। कानपुर के सजेती में शॉर्ट सर्किट से बड़ौदा ग्रामीण बैंक में आग लग गई। आग लगने से कंप्यूटर समेत फाइलें जल गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हैंडपंप से आग बुझाने का प्रयास किया, जिसके बाद नैवेली पावर पॉइंट से दमकल और CISF की टीम ने पहुंचकर बैंक में लगी आग पर एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। हरदोई के पाली इलाके में बाइकों के जोरदार भिड़ंत हो गई। बता दें कि पाली थाना क्षेत्र के परेली गांव के पास तेज रफ्तार दो बाइकों में भिड़ंत हो गई, जिस पर सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे एम्बुलेंस की मदद से शाहबाद CHC में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ASP पश्चिम दुर्गेश ने बताया कि मामले में तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। गंभीर अवस्था में घायल लाया गया, जिसमें से एक व्यक्ति मृतक अवस्था में लाया गया, दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसका प्राथमिक उपचार करके जिला अस्पताल के लिए हमने रेफर किया। बाकी मृतक की संबंधित थाने को सूचना भेज दी गई अग्रिम कार्रवाई के लिए। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच